विधानसभा की देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो नारा दिया है 75+, तो हमारी सभी कार्यकर्ताओं की ये कोशिश रहेगी कि उनके इस नारे को हम पूरा करें, हर संभव पूरा करेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। देखिए कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ विपक्ष कहीं कुछ नजर आ नहीं रहा है, और सबके सब उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ठीक है, इसलिए जो है वो डेली के हिसाब से हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है और पार्टी में शामिल हो रहे हैं लोग, तो उनका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है उनका। कुछ लोग मैच फिक्सिंग का भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं देखिए, आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे सभी का बहुत ज़बरदस्त विश्वास है, और उस विश्वास को उन लोगों ने 10 की 10 सीटें दे के दिखाया भी है, तो इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या कांग्रेस के विधायक भी आ सकते हैं? देखिए स्वागत है, जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता है उनका सबका स्वागत है। जो नए लोग जुड़ रहे हैं पार्टी से, क्या पुराने नेताओं के टिकट नहीं कटेगी, संकट नहीं होगा? देखिए टिकट जो है वो एक ही को मिलेगी, इस बात का सबको पता है, अपनी अपनी मेहनत सब कर रहे हैं, ये पार्टी संगठन ने देखना है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने देखना है कि कौन ऐसा कैंडिडेट है कि जो ईमानदार है और मेहनत भी करता है और वो अपनी विधानसभा को, अपने एरिया को आगे ले जा सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो संगठन निर्णय लेगा, हम सब उसके साथ हैं। और अगर उनकी विचारधारा, आप देखिए कि देर से भी अगर किसी को समझ में आता है, तो कहते हैं कि बेटर लेट देन नेवर, कि अगर देर से भी किसी को समझ में आता है कि जो विचारधारा है, देश प्रेम की जो विचारधारा है, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की ही है, तो अगर कोई आता है तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अभी टिकट किसको देनी है, कैसे देनी है, किन किन उसके लिए क्या क्या समीकरण रखे गए हैं, क्या क्या उनके लिए यार्ड स्टिक्स रखे गए हैं, ये हमारे वरिष्ठ नेता और संगठन डिसाइड करेगा। यहाँ पर कोई एक परिवार डिसाइड नहीं करता, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई एक परिवार डिसाइड नहीं करता कि ठीक है यहाँ पे पीछे पीठ पे उसके थपके लगा दी कि ठीक है भैया चल उतर जा मैदान में, हम हैं तेरे पीछे। यहाँ पर हर कार्यकर्ता जो है वो मेहनत करता है, और जिसको संगठन ये देखता है कि ये कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ पार्टी की विचारधारा को आगे लेकर जा रहा है और साथ के साथ देश प्रेम की इसके अंदर भावना है, उसको जो है पार्टी संगठन आगे बढ़ाता है। तो इसलिए हमारे पास बहुत स्वागत है, हमारे पास चाहे 4 नेताएं, चाहे 10 नेताएं, जो भी हैं उनके बीच में से ही एक कमल का फूल किसको मिलेगा, हम सब उसके साथ। बाबा राम रहीम की पैरोल को सियासी मायने देखे जा रहे हैं? देखिए ये सब काम जो है वो प्रशासन का है, प्रशासन अपने हिसाब से करता है, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी नेता को कोई किसी तरह का जो है कोई अपना पक्ष रखना चाहिए, ये काम प्रशासन का है, प्रशासन जो है किसके साथ कैसा, जो भी वहाँ पर हैं उनके साथ किस तरह का बिहेवियर करता है, ये उनका निर्णय है। चुनाव आते ही सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं, लोकसभा चुनाव से पहले भी पैरोल की बात आई थी, विधानसभा चुनाव से। देखिए मैंने आपको बताया कि ये प्रशासन का काम है, प्रशासन किसको किस हिसाब से देता है वो सभी जो उसके नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स के तहत ही, वो दे सकता है तो देगा, अगर नहीं दे सकता है तो नहीं देगा। इसमें कहीं पर भी कुछ भी राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट देखेगा, अगर नॉर्म्स में वो फुलफिल होता होगा तो चाहे कोई भी क्यों ना हो उसको मिलेगी पैरोल, और अगर नहीं होता होगा तो नहीं मिलेगी। लोकसभा और राज्यसभा में 370 को हटाने का लगातार विरोध चलता रहा, लेकिन हरियाणा के एक कांग्रेसी नेता दीपेंद्र हुड्डा को चाहे कुलदीप सिंह सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा ही इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे बल्कि सचिन पायलट ने इनको सपोर्ट किया है इसको, और इसके साथ साथ एक कृपा शंकर जी हैं मुंबई से, उन्होंने इसको सपोर्ट किया है, और एक असम के जो हैं उन्होंने तो राज्यसभा में इस्तीफा ही दे दिया था इसके सपोर्ट में। तो जो भी देश प्रेम की भावना रखता है, जो भी ये सोचता है कि भारत एक देश है और इसका एक विधान होना चाहिए, इसका एक संविधान होना चाहिए, इसका एक झंडा होना चाहिए, तो वही हमारे फेवर में है, तो हम सबका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, और हमारे गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा था, जब वो ये बिल लेकर आए थे उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भी जो भी कोई ये चाहता है कि हमारा देश जो है वो एक सूत्र में बंधे, तो मुझे लगता है कि वो पार्टी से ऊपर उठकर इस बात की तरफ हमारे फेवर में जो है वो वोट करेंगे। और आप ये देखिए कि जो बहुजन समाज पार्टी है उन्होंने हमारे फेवर में किया, तेलुगु देशम पार्टी ने हमारे फेवर में किया, और तेलंगाना की पार्टी ने हमारे फेवर में किया, और तो और जो इवन TMC जो है, तृणमूल कांग्रेस जो है, उन्होंने वॉकआउट किया, तो आप ये देखिए एक तरह से समझो कि उन्होंने भी हमारे फेवर में ही किया। तो जो लोग भी देश प्रेम की भावना रखते हैं और उनको ये लगता है कि हमारा एक संविधान होना चाहिए, हमारा एक विधान होना चाहिए, हमारा एक झंडा होना चाहिए, उन सब ने हमारे फेवर में वोट किया।